हेलो दोस्तों, सनशाइन फूड में आपका स्वागत है। तो चलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल हैदराबादी चिकन बिरयानी। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। फिर हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए 200 ग्राम दही लिया है, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 अंडे और 4-5 हरी मिर्च लिए। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप डेली यूज जो करते हैं मसाला वो भी ले सकते हैं। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये कलर आता है। तो चलिए मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। स्वादानुसार 2 चम्मच नमक, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऑयल, हरी मिर्च, 200 ग्राम दही। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। मिक्स हो चुका है, जो 2 अंडे लिए थे ना वो इसमें डालना है। अंडे डालने के बाद ना फिर से इसको अच्छे से मिक्स करना है। गैस पर कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुकी है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चार पांच कटे हुए प्याज है वो थोड़े से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पे प्याज है ना फ्राई हो चुके हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए ग्रेवी बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज कटे हुए हैं लिए है, बिरयानी मसाला लिया है, ये तेजपान है, काली मिरी, लवंग, इलायची, दालचीनी। पहले हम ऑयल डालेंगे, 5-6 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। तेजपान डालेंगे, लवंग, काली मिरी, दालचीनी, इलायची, प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट,
स्वादानुसार नमक, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून गरम मसाला। हम इसमें मसाला कम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मैरिनेट जब बनाए थे तब हमने ज्यादा डाले थे उसमें, इसीलिए। दो टेबलस्पून बिरयानी मसाला, जो हमने मैरिनेट किया था चिकन वो हम इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। जो मैंने 4-5 टमाटर लिए थे वो इसमें अभी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, अभी हम क्या करेंगे 10 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। ये जो राइस मैंने लिया है वो डेली यूज करती हूँ मैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब मार्केट में जो अवेलेबल राइस है, बासमती राइस है, बिरयानी राइस, अलग अलग प्रकार के राइस आते हैं, वो भी ले सकते हैं। हमने 1 किलो चिकन लिया था तो 1 किलो ही राइस लेंगे। चिकन पकने तक हम राइस उबालेंगे। तो हमने यहाँ पे पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें हम क्या डालेंगे, खड़े मसाले। पहले भी हमने खड़े मसाले डाले हैं, लेकिन इसमें क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें राइस को है ना अच्छे से स्वाद आता है। और इसमें 4-5 टेबलस्पून नमक डालेंगे। इसमें हम राइस डालेंगे, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इससे क्या होता है, राइस अच्छे से फूलता है। तो चलिए देखते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन पका है कि नहीं पका है। वाह दोस्तों, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये देखो। ये देखो पक चुका है, ये देखो। इसको हमें पूरा नहीं पकाना है, 80% हमको पकाना है और 20% क्या करना है, कच्चा रखना है। अभी हम चिकन बिरयानी का लेयर लगाते हैं। पहले हम एक लेयर बना लेंगे, यहाँ पे हम डालते हैं चिकन की ग्रेवी। में हम राइस डालेंगे, थर्ड लेयर में हम प्याज डालेंगे जो फ्राई किए हुए थे ना, ये देखिए वो डालेंगे। ज्यादा नहीं डालने, बस थोड़े से डालने। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पे हमने राइस उबाला है और जितना चिकन है उसी तरह से एक लेयर बनाएंगे, और पहले जैसी लेयर बनाई थी वैसे ही लेयर लास्ट तक बनाएंगे। ये दोस्तों अपना लेयर लगा के हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर है ना थोड़ा सा 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो स्किप कर दो। फूड कलर ऐड कर रही हूँ।
अभी हम बिरयानी को तवे पर 10 मिनट तक गर्म होने के लिए रख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि तवे के ऊपर क्यों रखा है, तो तवे के ऊपर ये क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये नीचे का भाग है ना, जलना नहीं चाहिए। हमारी चिकन बिरयानी रेडी है, इसको अभी हम सर्व करते हैं। आज की हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।